हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि मैं हूँ प्रियंका साईं। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, चंग होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये मेरी जो सब्जी वाला स्टैंड है ना, कुछ खाली खाली सा आपको लग रहा होगा। खाली खाली सा क्यों लग रहा होगा यार? क्योंकि आजकल सब्जियों का मतलब मिलना मुश्किल हो गया है। मुश्किल भी क्या हो गया, मैं पैसे भी बचा रही हूँ, क्या करूँ, इतने पैसे नहीं है यार। तो थोड़ा सा पैसे का भी सेविंग कर रही हूँ कि यार इतना ना खर्च करूँ। आलू टमाटर सोयाबीन यही सब्जी बना बना के खाना पड़ रहा है, क्या करूँ। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि कुछ टाइम पहले ये जो है मैंने इसमें आलू दो आलू रख गए थे। तो वो दो आलू ना, उसमें ना मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो दो आलू ख़राब हो चुके थे। तो उसमें वो सीलन से नहीं हो जाते हैं, तो वहाँ पे सीलन से हो गए थे, वो चिपचिपसा होने लगा था। तो फिर उसके बाद मैंने उसको हटा दिया, और फिर मैंने सोचा कि इसमें पेपर दूसरा लगा दूँ, जो कि अभी मैंने जल्दी ही बदला था। पर उसमें से ना गंदी सी स्मेल आने लगी, कोई भी चीज़ सड़ जाती है तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो मैंने सोचा इसको चेंज कर देती हूँ, इसका पेपर सही से लगा देती हूँ। और बाबू सो रहा था, बाबू जब सोता है ना तो मैं फटाफट कामें कर लेती हूँ, जो ऐसे वैसे काम रहते हैं। अगर इन कामों में वो करते हो तो वो कहीं आलू छुएगा तो कहीं वो छुएगा, मतलब उसको अगर कितना भी मना करो कि नहीं हार्दिक आप ये मत छुओ ये गंदा है, लेकिन नहीं, वो मान ही नहीं सकता है, मतलब उसको टच करना ही करना है। तो मैंने सोचा ये सारा चीज़ें ना, जो ये ख़राब वाली चीज़ें वाला काम होता है ना, जब वो सो जाता है तभी मैं करती हूँ। तो बस मैं इसमें पेपर लगा ले रही हूँ, और मेरे किचन को ना कितना भी रगड़ रगड़ के क्लीन कर लो, वो क्लीन होता ही नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यार टाइल्स लगे रहते हैं तो साफ साफ सा लगता है, और ये फर्श में ना उतना साफ नहीं लगता जितना टाइल्स में, जितनी मेहनत फर्श में करो लेकिन फर्श उतना क्लीन नहीं लगता जितना टाइल्स लगता है। तो वहाँ पे पीछे मैंने पेपर लगाया हुआ था, वो पेपर ना उसका गैस की आँच, सब्जी की आँच से छींटे से वो कलर चेंज हो गया। और इस समय तो मैं कुछ मंगा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि स्टिकर मैंने सोचा था, जैसे जिसके रूम में रहती हूँ उन्होंने बोला था बेटा मैं टाइल्स लगवा दूंगा, बस दो चार दिन की बात है। दो चार दिन की बात में क्या, तब से तो ये कोरोना आ गया, फिर उसके बाद इसमें टाइल्स लगी नहीं पाई। और फिर मैंने सोचा था अगर ये नहीं, मुझे पहले पता होता कि ये नहीं लगवाएंगे तो ऐसे ऐसे माहौल आ जाएगा, तो मैं उसमें ना वो जो स्टिकर होता है किचन वाला वो सारा लगा देती, क्योंकि ऐसे ना देखने में बड़ा भद्दा लगता है यार, कैसे भी कितने अच्छे से रखो ना, लेकिन वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने उसी को सोचा था कि वही ला के ट्राई कर लूँगी, लेकिन क्या करूँ हुआ ही नहीं। तो अभी चला रही हूँ, देखती हूँ कब मिलेगा और या कब लगता है। और यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी तो चाय गिर गई थी तो उसका धब्बा पड़ा था, तो मैंने इसको तुरंत साफ कर देना होता है। लेकिन फिर भी देखिए इसके गैस के किनारे किनारे ना कितना भी रगड़ के साफ करो वो ना काला काला सा ही है, वो साफ़ ही नहीं होता है कितना भी रगड़ के करो। और बस ये सारे क्लीन कर लेती हूँ। आज मैंने कोई खाना वाना का वीडियो इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आज मैंने वही सिंपल सा तुरोई और रोटी बनाया हुआ था, तो मैंने कहा उसका क्या वीडियो डालना, उसको तो सभी को पता है। जो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि चलो कोई ऐसा करता होगा वो नहीं करता होगा तो मैं वो डालती हूँ, नहीं तो ऐसे तो सभी बनाने सबको यार बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाने आता है, तो कभी कभी मन कहता है चलो डाल दिया। तो मैंने कहा आज यार इस मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ बनाओ तो उसको भी क्या दिखाना रोज़। तो मैंने सोचा कि क्या उसको दिखाऊं कि ये बना लिया, मैंने ये बना लिया, तो इस वजह से मैंने ना उसको बिल्कुल भी सूट नहीं किया। तो बस आज मैं यही थोड़ा सा कुछ बातें करनी थी यार। पता है बड़ा तकलीफ़ होता है अगर कोई इंसान रोता है, उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती यार। कैसे कैसे लोग हैं यार, किसी पे भी उंगली उठा देते हैं, मतलब ये नहीं सोचते उस इंसान पे क्या बीतेगी, क्या होगा उसके ऊपर, कुछ नहीं समझते हैं। सच बताओ ना, जिसके ऊपर बीतता है ना उसी को पता चलता है कि इस चीज़ का दर्द क्या होता है। और तो ऐसे ही दुनिया है, कह के निकल जाएगी उसको क्या, क्योंकि वो उस चीज़ को ना झेला रहता है ना उस चीज़ को मतलब वो फील किए रहता है, तो फिर उसको बड़ा आसान लगता है सब चीज़ें कि बहुत आसानी से बोल के चले जाओ, कोई कुछ मतलब हो जाएगा, सब कुछ ठीक है यार, कह दो कुछ बातें। लेकिन रियलिटी जिस पे बीतती है ना उसके दिल पे क्या बीतती है, अगर कोई कुछ कह देता है ना आप समझ भी नहीं सकते हो यार।
तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली थी, आज आया था सब्जी वाला, तो मैंने खीरे लिए थे, एक बैंगन लिया, एक शिमला मिर्च ले लिया, एक एक करके ले लिया, एक एक बहुत दिन तक मेरे लिए हो गया है। तो इसको अभी मैंने ना नमक पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, अभी मैं इसको धुल लिया है, धुल के अभी इसको मैं इसमें रख दूँगी तो इसका पानी निचुड़ जाएगा। और जब से यार मैंने उनको देखा ना, वो रो रही थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार कि ये मतलब अजीब सा फील होता है, मतलब कुछ भी लोग कह के चले जाते हैं यार, बड़ा बुरा लगता है, सच बताओ बहुत बुरा लगता है। मतलब और कहने के बाद भी उनको नहीं फर्क पड़ता है, ये सोचते हैं ना, एक को तो मैंने ऐसा वैसा कर दिया, वो नहीं कुछ ना बोला, तो ये कौन सी होती हैं बोलने वाली, ये भी कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन हर एक जैसा नहीं होता है, कोई तो कोई सबक सिखाई देता है। तो यहाँ पे आंटी ने तो बरामदे की धुलाई करी दी थी, लेकिन मैंने फिर भी रूम में बाबू ने कुछ गिरा दिया था, तो मैं वहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी पोछा मार ही देती हूँ। और जो कि सुबह में आंटी ने इस हाल की धुलाई की थी, क्योंकि उन्हीं की गाड़ी, उन्हीं की साइकिल, उन्हीं की तखत वखत यहाँ पे रखी रहती है, तो वो भी धुलाई कर देती हैं। और जब मुझे भी गंदा फील होता है, तो मैं भी धुलाई मतलब पोछा लगा देती हूँ या धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि मेरा भी बच्चा यहीं पर खेलता रहता है। और हार्दिक की आदत है ना कि वो नीचे बैठ जाता है, नीचे लेट जाता है, नीचे कुछ भी चीज़ें पाएगा मुँह में डाल लेता है, बहुत गंदी आदत है उसकी, कितना भी मतलब डांटो, कभी कभी खींच इतनी चढ़ती है ना, थप्पड़ भी लगा देना, लेकिन इतनी तेज़ नहीं लगाती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी लगा के ना, फिर भी त्रास आती है, क्यों मार दिया मैंने इसको। तो बच्चे हैं ऐसे ही करते रहते हैं यार, समझ में नहीं आता कि कितने जल्दी बड़े होंगे और कितनी जल्दी वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे कि ये मम्मा जो कहती है ना सही कहती है, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो बस ये सब लग गया है भाई, और मैंने कुछ नहीं सूट किया है, और अभी थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ ढेर सारी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ प्रियंका, जैसे कि आप लोग सभी जानते हो। और आज मैंने ये साड़ी पहन रखी है, पता है ये साड़ी ना मैंने ऑनलाइन ली थी उससे, अमेजोन से, पर जितनी उसमें सुंदर दिख रही थी उतनी ये है नहीं, और इस पे का मेरे पास ब्लाउज नहीं है, और लेकिन फिर भी सही है, जो रेंज था साड़ी का उस हिसाब से सही है। और मुझे ना ये नीचे का प्लेट तो बन जाता है, ये देखिए ये तो बन जाता है मेरे से, लेकिन ये जो ये वाला चीज होता है ना, ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, ये बनता ही नहीं मेरे से। बाबू खोलो, मुझे बंद कर दिया, बाबू खोलो, खोल रहा हूँ, कहाँ खोल रहे हो आप बाबू? आज आपने शे हाय नहीं बोला, आओ आगे हाय बोलो, फिर मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, सॉरी। कैसे हो, थक गए आप? क्या किया आपने जो थक गए? आप बैठोगे? बैठ जाओ बेटू, बंद कर देते। हाँ बाबू को सुबह मैंने नहला के कपड़े पहना दिए थे, फिर उस बाबू अभी दिखा आ रही, बाबू को मैंने ना सुबह में जो होता है ना सुबह में इसको नहला दिया था, और फिर सुला दिया, सो के उठा, फिर उठ के चोरी से गया पानी खोल के कपड़े गीले करके चले आया, तो फिर मैंने इसको चेंज किया, फिर मैं भी थोड़ा सा तैयार शैर हो गई। लड्डू सिंह को बुलाओगे आप? लड्डू सिंह को? लड्डू सिंह? लड्डू सिंह है कहाँ आपके? चार है लड्डू सिंह। हार्दिक ना सिवा देखता है, तो इसकी हैबिट पूरी सिवा वाली हो गई है पूरा। बाबू ये मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है, और भी तोड़ रहे हो इसको, ये बेचारा ऐसे, इसको मत तोड़ो। तो मैं अपनी जगह पे बैठ जा रही हूँ, जहां मैं आपसे बातें करती हूँ। बेटू कहाँ जा रहे हो? हाँ जंगल दिखाओगे मुझे? जंगल?
हाँ, ओ माय गॉड, आप दरवाजा वो क्यों खोल देते हो बच्चा? अलमारी क्यों खोल देते हो? उसमें वो चूहा घुस जाएगा, फिर वो आपके सारे कपड़े काट के फेंक देगा। तो उसको बंद करो। आप स्कूल कैसे जाओगे? बैग तो हार्दिक ने खरीद लिया, लेकिन हार्दिक को स्कूल नहीं जाना हुआ। तो हार्दिक बोल रहे हैं कैसे स्कूल जाऊंगा मैं, ना इसको ट्राईपोड में सेट कर देती हूँ। तो फिर हाँ हो, तो फिर मैं आपसे बातें करती हूँ, ठीक है? हाँ, तो आज मैं बाबू थोड़ा सा शांत हो जाओ, मम्मा बात कर ले। हाँ टाइगर, अच्छा चलिए मैं अभी चलूंगी आपको मार्केट लेके, फिर आपके लिए टाइगर लाऊंगी। जब दुकान खुल जाएगी फिर मैं टाइगर लाऊंगी, ठीक है? ओके जाओ, अब आप खेलो, मम्मा थोड़ी सी बात कर ले, फिर मम्मा आपके पास आती है, ठीक है? मम्मा टाइगर, तो आज मैं ना उन मैडम की बात करने जा रही हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा ही हंगामा मचा के रख दिया है। बाबू प्लीज, वो ना मुझे लगता है ना दिमाग से थोड़ा सा सट, वो कहते हैं ना हमारे यूपी साइड में, सठिया गई है दिमाग से, तो सच में सठिया गई है। वो किसी को भी कुछ भी बोल देती है, इतनी धमकियां देती है, इतना उल्टा सीधा बोलती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। आप जानते होगे वो कैसी है, आपको सब अच्छी तरीके से पता है, मुझे क्या पता जितना अच्छी तरीके से आपको पता होगा बाबू, मुझे क्या पता। लेकिन जब भी मतलब इनका वीडियो देखो, जब भी कुछ सुनो तो बस उल्टा ही चीज़ें निकलता है। मतलब कभी भी अच्छी चीज़ें अच्छे से बात ही नहीं करती हैं। तेरी ये कर दूंगी, तुझे थप्पड़ मारूंगी, ये मेरा थप्पड़ देख रहे हो, थप्पड़ मारूंगी, चप्पल मारूंगी, क्या क्या बोलती है भगवान जाने। यहाँ से कुछ भी नहीं, हाँ रख दो। तो इनका तो कुछ भी नहीं समझ में आता, ये क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, दूसरों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, मतलब ये वाला काम करती हैं। उनके घर में अगर पास में होती तो करके ही छोड़ती, पर वो दूर है, दूर से भी करना जानती, बहुत अच्छी तरीके से जानती है। नहीं पता तो देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से जानती है कैसे क्या करना है, मतलब बिंदास है। सलूट करना चाहिए उनको, सलूट करना चाहिए, सॉरी, बिल्कुल बिंदास मस्त मौला है। और दूसरों को कहती है कि प्रेगनेंसी पे व्यू ले रही है, उस पर व्यू ले रही है, मतलब अपना किस चीज़ पे व्यू ले रही है उनको ये नहीं पता है। उन्होंने कैसे कैसे आगे बढ़ा है, उनके जिठानी को बदनाम कर दिया तो उनको देवरानी को बदनाम कर दिया तो उनके भाई को बदनाम कर दिया, ऐसे करके उनके घर का पूरा, जैसे लगता था कि ये इन्फॉर्मेशन लेके आई हुई है, पूरा घर का चिट्ठा खोल रही थी, ऐसे तो बदनाम किया। हार्दिक शांत रहो। फिर उसके बाद इनकी एक फ्रेंड ने इनका सपोर्ट दिया, इन पर फुल्ली सपोर्ट दिया उन पर। हाँ अभी रुक जाओ, चल रहे हैं। तो फिर इनकी जो दूसरी फ्रेंड है ना, उसने भी झकास इनका सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद क्या बोली, अरे बहना मैं तेरी सपोर्ट कर रही हूँ, चल हम दोनों लोग मिल के आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ तुम भी लाइन पे लग जाओ। लेकिन क्या हुआ उस समय, इनकी तो रोटी सिक गई लेकिन उनकी रोटी नहीं सिक पाई। तो ये क्या किया, तो ये इनसे कहीं मैडम बहना मेरा ना नहीं हुआ, मेरा तो हो गया यार, मेरा नहीं हुआ 500। तो इन्होंने बोला बहना तेरा तो हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरा तो 300 से ज़्यादा ना हो रहा है। तो इन्होंने कहा टेंशन मत ले, रुक जा, मैं दिमाग दूंगी तुझे, रुक जा थोड़ा सा सोच समझ के दूंगी। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने कहा ये अच्छा वाला मौका है प्रेगनेंसी पे बना। तो उन्होंने बोला ठीक है, पकड़ के लाया, प्रेगनेंसी पे डाल दिया। वो ऐसे प्रेगनेंसी पे व्यू ले रही है, इस पे ले रही है, अगली बार तुमने ऐसा किया तो फिर ऐसा होगा, मतलब धमकी दे रही है सर यहाँ। अरे भैया उसका चैनल, वो कुछ भी करे, उसकी मर्जी, हम क्या करेंगे? मतलब आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता है क्या? आप भी तो भाई व्यू के लिए ही किसी को उठा के पकड़ के बदनाम कर दो यार, क्या होता है, अपने बाप की खेती है, कुछ भी नहीं होने वाला है, यूं कर दे रहे हो। और अगर अगर कोई दूसरा इनके बारे में बोले ना, इनको ऐसी मिर्ची लगती है, ऐसी मिर्ची लगती है, माँ कसम कैसी मिर्ची लगती है उनको खुद पता होगा। तो आजकल अगर अच्छे लोग हैं तो उनको 10 लोग गालियाँ देने आ जाते हैं, और यही बुरे लोग
किसी को, किसी के घर परिवार फैमिली मेंबर पे जा जा के गालियां दे रहे हैं, घर घर के बदनाम कर रहे, तो उन पे कोई गालियां नहीं देने जाएगा। कहती है दोस्त है कि दूसरे बीच में टांग लड़ाने आ जाते, ये भी तो दूसरे, इनको भी तो देखो, ये भी तो दूसरे पे गई थी टांग लड़ाने के लिए। किसी ने लॉकडाउन के ऊपर वीडियो बनाया, इन्होंने कहा रोटी सेक लेते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है, चढ़ गई घुस गई, और फिर थोड़ा सा पटरी पे गाड़ी आई तो स्ट्राइक का फंडा अपना लिया, स्ट्राइक दे दिया, स्ट्राइक के बाद ये हो गई। फिर दूसरी आती है, यार मेरा भी ऐसे कर दे, उनका भी हो जाता है बेड़ा पार। तो यार आप इन लोगों को कुछ नहीं कहने आते हो, हम लोगों को, हम बेचारों को क्या कहने आते हो, हम लोगों को क्यों कहते हो यार, इनको भी तो देख लो, ये कैसे बातें करती है, इनको कुछ नहीं कहोगे, हम कैसे बातें करते हैं, आप हमारे ऊपर चिक 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 करने आते हो, इनको भी देख लिया करो। मतलब था कि आप जब देखते हो तो अच्छे से देखो, सबकी सुनो तो जाके बोलो। अब बेफालतू आप आ जाते हो इधर, फिर यहाँ से सुन के जाओगे, फिर वहाँ पे ऐसे माचिस लगाओगे, यार तुम्हारे बारे में तुमने ऐसा बोला, तुम क्यों चुप बैठी हो, जाके कुछ समझाओ ना। तो ऐसा काम करती हो, मोहल्ले की आंटी तो तुम हुई, दूसरे को कहती हो मोहल्ले की आंटी, आंटी तो मुझे लगता है कि तुम ही आंटी हो, मोहल्ले वाली सबसे बड़ी आंटी है। तो चलिए भाई बहनों, बस मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको होगी कि आप भी तो रोटी सेक रही हो, तो हाँ मैडम जी मैं भी रोटी सेक रही हूँ, क्या करूँ, आप ही की तरह तो सीखा है मैंने, मतलब आप ही का सीखा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बड़े यूट्यूबर को बदनाम करने में अच्छा नहीं लगता, मुझे तो आप ही को बदनाम करने में अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।